अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से फ़िश की करी बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार फ़िश का डिश बन के तैयार होती है। इसे आप बनाकर अपने घर वालों को खिलाओगे तो आपके घर वाले बहुत ही खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िश को लिया है, देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हम मैरिनेट करके ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक को ऐड किया है और यहाँ पर आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट को ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी को ऐड किया है। इसे अभी अच्छे से मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, इन्हें हम रख देंगे साइड पर। देन इसके बाद हमें सबसे पहले फ्राई करके लेना है फिश के पीसेस को। इस तरह से मैं सैलो फ्राई करके ले लूँगी। आप चाहो तो डीप फ्राई भी करके ले सकते हो, लेकिन सैलो फ्राई भी अच्छे से हो जाती है। तो इस तरह से हमें अलट पलट करते गोल्डन फ्राई होने तक इन्हें फ्राई करना है। एकदम क्रिस्प और कड़क होना चाहिए। इसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे, साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम इनकी ग्रेवी बना के ले लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैंने सेम ऑयल यूज़ करूँगी इन सेम पैन। तो यहाँ पर देखिए सारे फिशेज़ फ्राई हो चुकी है। अब इनको निकाल के साइड पर रख देंगे और यही ऑयल में हम सबसे पहले डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक चम्मच भर के। थोड़ी सी भून के ले लेंगे इन्हें, हल्का सा भून जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा करी लीव्स को ऐड करेंगे। देन इसके बाद हम दो अनियन को इस तरह से दरदरा पीसा हुआ इनमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च को डाल देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी को ऐड करेंगे। देन एक यहाँ पर एक चम्मच के इतना रेड चिली पाउडर को ऐड करेंगे और एक चम्मच के इतना गर्म मसाला पाउडर। देन इसके बाद में स्वाद अनुसार नमक डाल के इन्हें अच्छे से भूनेंगे। हम इन मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक मसालों से तेल सेपरेट नहीं होता है, हमें लगातार भूनते ही रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 से 6 मिनट के बाद इस तरह से मसाला भुन के एकदम तैयार हो चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक बाउल के इतना फेटा हुआ दही को ऐड करेंगे। ये खट्टा दही, इसकी जगह पर आप टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके भुनते हुए जाएंगे जब तक तेल जो है ऊपर नहीं आता है। तो लगातार भुनते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से तेल ऊपर आ चुका है। हाफ ग्लास पानी को हम इनमें ऐड करेंगे। आप चाहे जैसे आपको पतला या गाढ़ा चाहिए आपके हिसाब से आप पानी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गाढ़ा ही रखी हूँ। तो इस तरह से एक बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमने जो फिश को फ्राई किया है ये सारे हम इनके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन्हें थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो है एकदम मज़ेदार फ़िश करी बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो फिश बिल्कुल ही नहीं टूटा है, एकदम पीस की पीस वैसे के वैसे ही है। तो चलिए हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, माशाल्लाह दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो सोचिए आप खाने में कितना टेस्टी और मज़ेदार होगा। ज़रूर आप ये रेसिपी को ट्राई करें। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।